ये हदीस हमारा एंटीडोट है। सब लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ये उनका एंटीडोट है आज के दौर में। अगर आपने दीन प्रैक्टिस करना है तो दिस इज द वे। एक टाइम आएगा कि तुम्हें इमोरल होना और इनकॉम्पिटेंट होना, इसमें चॉइस दी जाएगी। क्या मतलब है? आज आप देख लें, जो बंदा दीन पे चलता है उसको क्या कहा जाता है? इनकॉम्पिटेंट है, ये बैकवर्ड है, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं पता, ये दुनिया से कट ऑफ है, ये मुल्ला है, ये टेररिस्ट है, इनको कुछ सोचना समझना नहीं आता, इनको बात करनी नहीं आती, इनमें इंटेलिजेंस कोई नहीं है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के ये ताने सुन लेना, ये ताने बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरी लाइफस्टाइल की तरफ मत जाना। ये हमारे नबी की नसीहत है। और आज ऐसा होता है, व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटीज हमें वहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। जो सिस्टर्स हिजाब शुरू करती हैं उनको ताना सुनना पड़ता है, फैमिली का अलग से, उस्ताद का अलग से, तरह तरह की नज़रों से देखा जाता है उसे जज किया जाता है। और जो लड़का दाढ़ी रखने की कोशिश करे, नमाजें पढ़ने की कोशिश करे, मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे अपनी क्लासरूम में, दाढ़ी तो अलग लेवल है ना, वो तो लेवल ही बहुत हाई है, सिंपल मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे कि यार ये चीज़ गलत है, देन सी कि उसके साथ क्या होगा, उसके दोस्त उसका क्या हशर करेंगे, उसको किस किस तरह के अलकाबात से जो है बुलाएंगे। सो द एडवाइस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सबसे ज़्यादा सिंसेर तरीन इंसान थे हमारे साथ, उनकी एडवाइस ये है कि चूज बीइंग कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट बट डू नॉट चूज द वे ऑफ इमोरालिटी। बर्दाश्त कर लेना और अल्लाह तुम्हें उसका बड़ा अजर देगा बर्दाश्त करने का। अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ वर्का बिन नौफल, जब प्रॉफिट सल्लम उनके पास आए, उन्हें बताया कि मेरे पे एंजल आया है, तो उन्होंने कहा कि ओ माई नेफ्यू, काश मैं उस टाइम जिंदा हूं जब तेरी कौम तुझे धुतकारेगी, तुझे यहां से निकालेगी, तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, काश मैं उस टाइम जिंदा हूं। तो क्या खुशखबरी है वर्का बिन नौफल की हदीस में हम सब के लिए, आपके लिए जिनको ताने पड़ते हैं, जिनको तरह तरह के अलकाबात से बुलाया जाता है, जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस्लाम पे चलते हुए, उनके लिए खुशखबरी ये है, जिस तरह नबियों को दुख दिया गया उसी तरह तुम्हें भी दुख दिया जाएगा, क्योंकि नबी अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे थे, हक की बात करते थे, सच की लड़ाई लड़ते थे, और उन्हें दुख दिया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें ताने दिए गए और फैमिली वालों की तरफ से दिए गए। तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, असल में तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम्हें भी दुख दिया जा रहा है, और किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि तुमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं अगर सर झुकाऊंगा तो अल्लाह के आगे झुकाऊंगा, अगर मैं मानूंगा तो अल्लाह की मानूंगा। या रब्बी या रब्बी इन्नी अस्अलुकल अफ़वा।